next chapter we are discussing is plural effusion. First, to understand the plural effusion, let's understand the a basic anatomical fact about the lungs. देखिए हमारे lungs पे दो cover होते हैं जो कि एक protective layer का काम करते हैं lungs के ऊपर. जो अंदर वाली layer होती है, these layers are called as pleura, और जो अंदर वाली होती है that is the visceral pleura, that is the inner one. And the outer one is the parietal pleura. So basically हमारे lungs के ऊपर दो protective layers हैं, visceral pleura and parietal pleura. Visceral तो एकदम lungs के ऊपर चिपका होता है. इन दोनों के बीच में a small amount of fluid is there. बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन होता है. A small amount of fluid is there. That is the pleural fluid. A small amount of fluid is there, that is pleural fluid. This is all normal. But agar ye fluid bahut zyada ho jaye dono layers ke beech mein, parietal pleura aur visceral pleura ke beech mein jo fluid hai wo bahut zyada ho jaye aur bahut zyada itna ho jaye ki wo lungs ko dabane bhi lag gaya, this is called as pleural effusion. So pleural effusion is excessive pleural fluid. Excessive pleural fluid is pleural effusion. अब point ये कि ये fluid आया कहाँ से, ये बड़ा कैसे, what is the etiology? There are so many reasons by which this pleural fluid can accumulate excessively. कैसे बढ़ सकता है, जैसे मान लीजिए it can be because of some infection, जैसे कि pneumonia हो गया, कोई infection है. It can be because of tubercular infection. It can be because of malignancy. It can be because of rheumatoid arthritis, can be because of hypothyroidism, heart failure, nephrotic syndrome. So the list can be very long, bahut bada ho sakta hai list to, but these are some of the causes of pleural effusion, some of the causes. तो अगर आप ये शुरू के चार कॉसेस देखोगे विच आई हैव रिटन इन द रेड कलर, ये जो है दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन. एंड ये जो बाकी के तीन है ना, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन. तो जब भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, आइदर देर इज इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होगा ना, तो वहाँ पर बहुत सारे उस फ्लूड के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ जाएंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सब भी आ जाएंगे. और अगर फ्लूड के अंदर बहुत सारा सेल और प्रोटीन आ जाएगा ना, तो फ्लूड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा. तो इन सारे कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन. एक्सुडेटिव इसलिए बोल दिया क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे आपको, ये फ्लूड थोड़ा सा गाढ़ा होगा. बट आप बाकी वाली कंडीशन जो देखोगे ना, उसके अंदर जो फ्लूड इकट्ठा होगा ना, वो बिल्कुल पानी के जैसा होगा, बिकॉज देर इज नो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन. तो प्लूरल इफ्यूजन जब भी होता है, तो एक आइडिया हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ फ्लूड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, कि उस फ्लूड के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स है या नहीं है. अगर इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन, ये सब है, तो वो एक्सुडेटिव हो गया. और ये कब होगा, जब भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से होगा. अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज ट्रांसुडेटिव. हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट टू अस. अब इस पेशेंट को एक तो दोनों प्लूरल, दोनों प्लूरा के बीच में पानी भर गया, तो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन है, तो जिस साइड में प्लूरल इफ्यूजन होगा ना, उस साइड में उसको भारीपन लगेगा, हैवीनेस लगेगा, और इसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी क्योंकि लंग अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो रहा. सो दिस पेशेंट इज गोइंग टू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, दैट इज डिस्निया. दिस पेशेंट विल हैव चेस्ट हैवीनेस. जिस साइड में प्रॉब्लम है ना, उस साइड में भारीपन लगेगा. This patient will have pleuritic type of chest pain, थोड़ा थोड़ा pain भी होता रहेगा, pleuritic type of chest pain. Patient can have dry cough and plus minus fever. Plus minus इसलिए लिख दिया fever के यहाँ पे, depend करेगा etiology क्या है. अगर pleural effusion infection की वजह से हुआ है तो fever आएगा, अगर infection नहीं है तो fever नहीं आएगा, बाकी के symptom तो रहेंगे. So
द पेशेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन विल हैव डिस्निया, भारीपन लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, द पेशेंट विल हैव चेस्ट पेन, विल हैव ड्राई कफ, दीज आर द सिम्टम्स दैट विल बी देयर. इफ अ पेशेंट इज कमिंग टू यू लाइक दिस, मान लीजिए एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल इज कमिंग टू यू एंड शी इज सेइंग दैट डॉक्टर आई एम हैविंग सम हैवीनेस इन माई राइट लोअर चेस्ट एंड आई हैव ब्रीथिंग डिफिकल्टी और मेरे को कंटिन्यूसली ड्राई कफ हो रहा है फॉर लास्ट वन मंथ, देन यू विल डू द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. सबसे पहले आप चेक करोगे चेस्ट एक्सपेंशन. चेस्ट एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कैसे चेक करना है. यू आर गोइंग टू पुट द हैंड्स ऑन बोथ द साइड एंड यू विल कंपेयर योर हैंड मूवमेंट. पेशेंट इंस्पिरेट एक्सपिरेट करेगा और आपका आपका हैंड मूवमेंट देखना है. अब क्योंकि यहाँ पे देखो इस साइड में, इस पेशेंट के राइट साइड में पानी भरा हुआ है, राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन है, तो राइट साइड का तो लंग एक्सपैंड ही नहीं कर रहा है या बहुत ही कम कर रहा है, लेफ्ट का तो फिर भी ठीक करेगा. तो आप जब हैंड मूवमेंट चेक करोगे ना तो लेफ्ट वाले में तो अच्छा खासा हैंड मूवमेंट दिखेगा, राइट वाले में चेस्ट एक्सपेंशन बहुत कम होगा. सो ऑन द इफेक्टेड साइड देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द चेस्ट एक्सपेंशन. जब आप इसमें परकशन करोगे, नॉर्मली तो लंग के परकशन में हमें रेजोनेंट साउंड आता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें परकशन करोगे यू आर गोइंग टू हैव द डल साउंड आएगा, क्योंकि फ्लूइड के ऊपर डल आएगा. अब यहाँ पे एक और चीज देखने लायक है कि डल तो आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जब देखना आपने इंटर्नशिप में या जब भी आपने कभी कभी प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट को परकस किया होगा, तो जब आप परकशन करते हो ना, जब आप परकशन करते हो तो आप एक फिंगर से दूसरे फिंगर पे मारते हो तो कभी आपको पेन नहीं होता. लेकिन अगर नीचे प्लूरल इफ्यूजन है ना, प्लूरल इफ्यूजन है और आपने वहाँ फिंगर रखी और आपने मारा, तो आप जिस फिंगर से मार रहे होते हो ना, उस फिंगर में ऐसा लगता है जैसे आपने उसको पत्थर पर मार दिया. तो ये जो डलनेस फील होती है ना, इसमें हमें ऐसा फील होता है जैसे हमने इसको पत्थर पे मार दिया अपनी अंगुली को. दिस इज कॉल्ड एज स्टोनी डल होता है. व्हेन इट कम्स टू ब्रीदिंग साउंड्स, क्योंकि अब यहाँ पे तो लंग एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है, अगर आप यहाँ पे अपना स्टेथ रख के सुनोगे तो आपको ब्रीदिंग साउंड बहुत ही कम सुनाई देंगे. देयर इज डिक्रीज इन द ब्रेथ साउंड और रादर समटाइम दे विल बी एब्सेंट. Right, so these are some of the findings that you will see. एक तो chest expansion कम हो गया, percussion में stony dull आ रहा है, breath sound सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो हमें लग रहा था ये plural effusion. तो अब हमने उस fluid का sample निकाला. अब जैसे ही sample निकाला, अब हमें ये पता करना था यार इसको plural effusion क्यों इकट्ठा हुआ. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले plural fluid निकालते मैं हमें पता है कि plural fluid या तो exudative होता है या transudative होता है. मान लीजिए प्लूरल फ्लूइड मैंने निकाला, अब मेरे को ये पता करना था यार ये एक्जुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द इटियोलॉजी. तो अगर मेरे को कंफर्म करना है ना कि फ्लूइड एक्जुडेटिव है या नहीं है, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक आउट वन सैंपल ऑफ द प्लूरल फ्लूइड. मैंने प्लूरल फ्लूइड का सैंपल निकाला. व्हेन आई विल टेक आउट द प्लूरल फ्लूइड सैंपल एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे मैं उसी पेशेंट का एक ब्लड सैंपल भी निकाल लूंगा और दोनों सैंपल लैब में भेज दिए. प्लूरल फ्लूइड एंड ब्लड, दोनों के सैंपल ब्लड में भेजे और लैब वाले को ये कहा कि मेरे को इस प्लूरल फ्लूइड में चेक करके बताओ कि प्रोटीन कितना है और ये भी चेक करो कि इसके ब्लड में प्रोटीन कितना है. दूसरा एक और चीज चेक करो कि इसके प्लूरल फ्लूइड के अंदर हाउ मच LDH इज देयर एंड द सेम हाउ मच LDH इज देयर इन द ब्लड. तो मैंने लैब में मुझे इस आदमी का पता करना था कि यार इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन है, ये तो मेरे को पता लग गया. मैंने सैंपल निकाला, मुझे ये पता करना था ये एक्जुडेटिव है या नहीं है. तो मैंने दो सैंपल निकाला उसका प्लूरल फ्लूइड का, वो लैब में भेजा और लैब वाले को कहा कि मेरे को बता करके बताओ इसमें प्रोटीन कितना है और LDH कितना है. मैंने उसी पेशेंट का ब्लड सैंपल भी भेज दिया और उसमें भी पूछ लिया कि प्रोटीन कितना है LDH कितना है, सो दैट मैं कंपेयर कर पाऊँ. शाम को रिपोर्ट आ गई, मैंने दोनों को कंपेयर किया कि उसने मेरे को बताया कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन की एक वैल्यू दी कि भाई इस प्लूरल फ्लूइड में इतना प्रोटीन है और प्लाज्मा के अंदर इतना प्रोटीन है. तो ब्लड के अंदर उसने जितना भी प्रोटीन बताया, ब्लड के अंदर जितना भी प्रोटीन बताया उसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर कंपेयर किया. द सेकेंड कंपेरिजन दैट आई विल डू इज प्लूरल फ्लूइड में उसने मेरे को LDH बताया, ब्लड में भी बताया कि इतना LDH है. LDH को मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को कंपेयर किया. थर्ड कंपेरिजन जो मैं कर सकता था, मान लीजिए आप नए नए पोस्ट हुए थे इंटर्नशिप में और आपका कंसल्टेंट आए थे सर सुबह और उन्होंने बोला कि यार ये पेशेंट प्लूरल इफ्यूजन का है, इसका सैंपल भेज दो. तो वो ये मान के ही चल रहे थे कि यार आप दो सैंपल भेजोगे, एक प्लूरल फ्लूइड का एक ब्लड का. तो आपको ब्लड सैंपल भेजना ध्यान में ही नहीं आया, आपने केवल प्लूरल फ्लूइड का सैंपल भेज दिया और शाम को रिपोर्ट आई कि प्रोटीन इतना है और LDH इतना है.
क्योंकि ब्लड तो भेजा ही नहीं था तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। आपने सर को फोन किया शाम को कि सर सुबह जिस पेशेंट का आपने प्लूरल फ्लूड के सैंपल्स भेजने को बोला था उसका प्रोटीन इतना एलडीएच इतना है, तो सर ने पूछा अच्छा प्लाज्मा में कितना है, मतलब ब्लड में कितना एलडीएच है, तो आपने कहा ब्लड सैंपल तो मैंने भेजा ही नहीं। तो अगर आपने ब्लड सैंपल नहीं भेजा तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे? क्या करना है आपको, जो भी प्लूरल फ्लूड का एलडीएच लैब ने बताया आप आपकी लैब में फोन करना और लैब में पूछना दैट व्हाट इज द नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ एलडीएच, व्हाट इज द नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ एलडीएच इन द ब्लड। तो आपका लैब वाला बोलेगा कि हमारे लैब में अपर लिमिट ऑफ एलडीएच इज दिस मच, यू मल्टीप्लाई दैट विथ 0.6 एंड कंपेयर इट। इन तीनों में से अगर एक भी इज गोइंग लाइक दिस दैट प्लूरल फ्लूड का प्रोटीन इज मोर देन 0.5 प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा, और प्लूरल फ्लूड एलडीएच इज मोर देन 0.6 ऑफ द प्लाज्मा एलडीएच, और द प्लूरल फ्लूड एलडीएच इज मोर देन 0.6 ऑफ द नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ द एलडीएच इन द ब्लड, अगर इन तीनों में से एक भी पॉजिटिव आ जाता है यू विल से दैट इट इज एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। यू कैन इजिली से दैट दिस इज एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। और ये जो क्राइटेरिया है दिस इज कॉल्ड एज लाइट क्राइटेरिया। This is called as Light's criteria. So protein LDH को हम compare करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो plural fluid है वो transudative है या exudative है। और क्या क्या हम plural fluid में हम samples में भेज सकते हैं जिससे हमें etiology पता लग जाए, क्योंकि plural effusion के treatment में one of the important thing is to find out the etiology, क्योंकि अगर etiology पता लगेगा तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे। So what are the other things that is to be done? अगर दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टेबल, अगर उन्होंने बोला कि हमने प्लूरल फ्लूड का सैंपल भेजा तो इफ द प्लूरल इफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको प्लूरल फ्लूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर द सेल्स विच आर गोइंग टू काउंटर द बैक्टीरिया। जहाँ पे भी बैक्टीरिया होता है वहाँ न्यूट्रोफिल पहुंच जाता है। तो अगर प्लूरल फ्लूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, लैब वाले ने कहा कि प्लूरल फ्लूड में बहुत न्यूट्रोफिल्स है, मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स बैक्टीरियल इटियोलॉजी। अगर वायरल इटियोलॉजी रही होगी, अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है तो देर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट ज्यादा मिलते हैं। एक पेशेंट है जो सर्जरी में एडमिट हुआ था, उसको पेनक्रियाटाइटिस था, तो सर्जरी वाले पेनक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे थे। 3 दिन हो गए थे पेशेंट एडमिट था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऑन फोर्थ डे द पेशेंट हैड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो सर्जरी वालों ने मेडिसिन वालों को एक रेफरेंस भेजा कि आप आके प्लीज़ देखिए इसको कुछ ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेडिसिन वाला गया, मेडिसिन वाले ने देखा अच्छा पेनक्रियाटाइटिस का केस है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी, तो उसको परकशन किया तो पता लगा उसको प्लूरल इफ्यूजन है, उसको डल स्टोनी डल था, ब्रेथ साउंड एब्सेंट थे, तो एक्सरे कराया तो प्लूरल इफ्यूजन आ रहा था। पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है इफ़ यू सी दैट कि हियर आर द लंग्स, दिस इज द राइट साइड द लेफ्ट साइड एंड हियर इज द पेनक्रियास। आप देखो कि टेल ऑफ पेनक्रियास जो होता है ना वो लेफ्ट लंग के एकदम पास पहुंच जाता है। अगर पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन होता है, इफ देयर इज अ इन्फ्लामेशन इन द पेनक्रियास दैट कैन इरिटेट द लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग में भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है उसकी वजह से। तो इस पेशेंट को भी पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है कि लेफ्ट लंग में प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है। तो आपने यहाँ से प्लूरल पैरासिंथेसिस किया, यहाँ से प्लूरल फ्लूड निकाला और इस प्लूरल फ्लूड को आपने लैब में भेजा, और आपको ये पता करना था यार ये पेनक्रियाटाइटिस की वजह से तो नहीं है। तो आपने लैब वाले को ये बोला कि प्लूरल फ्लूड के अंदर मेरे को ये भी चेक करके बताना कि अमाइलेज कितना है, क्योंकि अमाइलेज और लाइपेज तो पेनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड होते हैं। तो इसकी इस पेशेंट के प्लूरल फ्लूड के सैंपल के अंदर अमाइलेज ज़्यादा आएगा। अगर पेनक्रियाटाइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है तो उस प्लूरल फ्लूड के अंदर अमाइलेज ज़्यादा मिलता है। अगर प्लूरल इफ्यूजन टीबी की वजह से होता है तो क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो आपको देखने को मिलेगा कि उस प्लूरल फ्लूड में लिम्फोसाइट ज़्यादा है, दूसरा देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ज़्यादा होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज ज़्यादा होगा, एडीए ज़्यादा होगा। और अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है तो जो शुगर लेवल होता है प्लूरल फ्लूड में दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस, शुगर लेवल कम मिलेगा।
कभी-कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होगा तो देर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द शुगर लेवल, शुगर लेवल इसमें भी कम मिलता है। उस प्लूरल फ्लूड में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आता है, आरए फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर पॉजिटिव नॉर्मली तो ब्लड के अंदर होता है, लेकिन इसके प्लूरल फ्लूड के अंदर आप आरए फैक्टर का टेस्ट करोगे तो प्लूरल फ्लूड में भी आरए फैक्टर मिलेगा। थर्ड थिंग, इसके अंदर हमें प्लूरल इफ्यूजन के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस हिंट्स दैट इज गोइंग टू बी देयर। एक बार इसको वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। अगर प्लूरल इफ्यूजन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे प्लूरल फ्लूड में, लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, इट इज गोइंग टुवर्ड्स वायरल और इट इज गोइंग टुवर्ड्स ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, शुगर कम मिलेगी, एडेनोसिन डीएमिनेस पॉजिटिव मिलेगा, वेयर एज द पेनक्रियाटाइटिस की वजह से तो अमाइलेज ज्यादा मिलेगा। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से तो प्लूरल फ्लूड में आरए फैक्टर पॉजिटिव आएगा, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स मिलेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन होता है, राइट साइड में होता है, जैसे कि रप्चर्ड लीवर एब्सेस। अगर लीवर एब्सेस रप्चर हो जाती है, क्योंकि लीवर जो है दैट इज ऑन द राइट साइड, अगर यहाँ पे एब्सेस रप्चर होगी तो जो इन्फ्लामेशन होगा वो राइट साइड में ज्यादा होगा, राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। लेफ्ट साइड का प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है एक कंडीशन में जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे यू कैन सी पैनक्रियाटाइटिस। अगर पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन होता है, जो टेल ऑफ द पेनक्रियास है वो लेफ्ट लंग के एकदम पास में, सो लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन कैन बी सीन इन पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस में हो सकता है। ड्रेसलर सिंड्रोम में भी हो सकता है। ड्रेसलर सिंड्रोम हमने कार्डियोलॉजी में पढ़ा था, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, एमआई के बाद में जो ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रेसलर सिंड्रोम। सो दीज आर सम ऑफ द हिंट टू मेक द डायग्नोसिस दैट वट इज द वट एवर इज द प्रोबेबल इटियोलॉजी फॉर द प्लूरल इफ्यूजन। व्हेन यू डू द चेस्ट एक्सरे, जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फाइंडिंग्स इन द चेस्ट एक्सरे टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। देखिए चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, यह हमारी दिस इज द डायफ्राम, दिस इज द डोम ऑफ द डायफ्राम एंड दीज आर द रिब के मार्जिन्स, दीज आर द कॉस्टल मार्जिन्स, दीज आर द कॉस्टल मार्जिन्स। तो जहाँ पे कॉस्टल मार्जिन और डायफ्राम मिलता है, इस पर्टिकुलर एंगल को वी हैव गिवन अ स्पेशल नेम, जहाँ पे डायफ्राम और कॉस्टल मार्जिन्स मिलते हैं दिस इज कॉल्ड एज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, कॉल्ड एज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल राइट एंड लेफ्ट। तो नॉर्मली तो ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एकदम शार्प होते हैं और एकदम ऐसे क्लियर कट आपको दिखते हैं। क्लियर कट दिखने का मतलब ये, अगर आप पास वाला डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे बेसिकली वहाँ पे फ्लूड इकट्ठा हो गया है एंड फ्लूड जो होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है, सो यू कांट सी द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। सो इन अ पेशेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल विल बी ब्लंट। आप इस पेशेंट में देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड को कंपेयर करो, लेफ्ट साइड का तो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल आपको दिख रहा है, हियर इज द डायफ्राम एंड हियर इज द कॉस्टल मार्जिन, तो आपको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बहुत क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में नहीं दिख रहा, तो राइट साइड का कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंट हो गया। सो इन द प्लूरल इफ्यूजन देयर इज गोइंग टू बी ब्लंटिंग ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, सीपी एंगल बोलते हैं, कॉस्टोफ्रेनिक मीन्स सीपी एंगल, सीपी एंगल ब्लंट हो गया। आप इसके आगे वाला डायग्राम भी देखोगे, हियर इज द कॉस्टल मार्जिन एंड हियर इज द डायफ्राम ऑन द राइट साइड, यू आर अनेबल टू सी द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ब्लंट हो रखा है। तो इस पेशेंट को भी राइट साइड में प्लूरल इफ्यूजन है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये, लुक एट द अपर लेवल ऑफ द फ्लूइड, इसके अंदर तो आ रहा है सेमिल्यूनर और इसके अंदर आ रहा है फ्लैट। अगर आपको इस तरीके से सेमिल्यूनर अपर लेवल दिखता है फ्लूइड का, इफ द फ्लूइड लेवल इज सेमिल्यूनर, सेमिल्यूनर या सी शेप का दिखता है, दिस इज सजेस्टिव कि यहाँ पे देर इज जस्ट फ्लूइड इज देयर, कि यहाँ पे प्लूरल स्पेस में केवल और केवल फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स। लेकिन अगर ये आपको फ्लैट दिखता है, इफ द लेवल ऑफ द फ्लूइड इज फ्लैट, देन यहाँ पे प्लूरल स्पेस में खाली फ्लूड इकट्ठा नहीं हुआ है, फ्लूड के साथ हवा भी इकट्ठी हो गई, हवा भी है वहां पे, सो दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स।
हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स. सो इन बोथ ऑफ देम यू कैन सी देयर इज अ फ्लूइड. हमें ये पता करना है कि फ्लूइड के साथ एयर भी इकट्ठा हुआ है क्या दोनों प्लूरा के बीच में. अगर एयर इकट्ठा होगा तो जो टॉप लेवल होगा फ्लूइड का वो फ्लैट दिखेगा, दैट इज हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स. अगर वो सेमिल्यूनार दिख रहा है दैट इज हाइड्रोथोरिक्स. ये जो सेमिल्यूनार होता है इसका दूसरा नाम होता है एलिस कर्व. ये सी शेप का जो आपको कर्व दिख रहा है दैट इज एलिस कर्व. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, जैसे ही आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ इसको प्लूरल इफ्यूजन है, इस फ्लूइड को हमें निकालना होगा. फ्लूइड को निकालने के लिए यू विल डू द प्लूरल पैरासिंथेसिस. हमें प्लूरल पैरासिंथेसिस करके इस फ्लूइड को निकालना पड़ेगा. अब प्लूरल पैरासिंथेसिस करने के लिए वी नीड टू इंसर्ट द लार्ज बोर नीडल और प्लूरल स्पेस में जाएंगे और उस फ्लूइड को निकालेंगे. अब पॉइंट ये है कि ये जो निडल है ना ये हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस में. जनरली हम प्लूरल पैरासिंथेसिस करते हैं समवेयर इन द मिड क्लेविकुलर सॉरी मिड स्कैपुलर लाइन, मतलब पीछे की तरफ जो स्कैपुला है इसके जस्ट नीचे जो टिप ऑफ द स्कैपुला होता है उसके एक दो इंटरकोस्टल नीचे द मिड स्कैपुलर लाइन पे हम इंसर्ट करते हैं निडल को. और कैसे इंसर्ट करते हैं आप यहाँ पे देखिए, दिस वॉज योर एग्जाम क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल समवेयर हियर इज द मिड स्कैपुलर लाइन और अब हमें फ्लूइड को निकालना था तो वी आर गोइंग टू इंसर्ट द निडल इन द इंटरकोस्टल स्पेस. अब इंटरकोस्टल स्पेस में भी कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अपर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस या लोअर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस. तो हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले एरिया को जूम करके यहाँ पे वापस से बना रहा हूँ मैं नीचे. आप देखिए ये एक रिब हो गई, दिस इज वन रिब, दिस इज अनदर रिब एंड दिस इज द इंटरकोस्टल स्पेस इन दोनों के बीच में. तो हमें निडल को इंसर्ट करना था तो निडल को कैसे इंसर्ट किया हमने, जो इंटरकोस्टल स्पेस में जो लोअर रिब थी उसके जस्ट अपर मार्जिन के वहां से हमने निडल को इंसर्ट किया है. यहाँ पे वी हैव द इंसर्टेड द निडल हियर. इंटरकोस्टल स्पेस में कहाँ पे इंसर्ट किया, एकदम नीचे वाले पार्ट में, दोनों रिब के जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे, या फिर मैं इसको बोल दूं ये जो लोअर रिब है इसके अपर मार्जिन के वहां से हमने इंसर्ट किया, लोअर रिब के अपर मार्जिन के वहां से इंसर्ट किया. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपर रिब का लोअर मार्जिन होता है वहां पे न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, मतलब वहां पे नर्व आर्टरी ये सब होते हैं, न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है. तो यहाँ पे एक न्यूरोवास्कुलर बंडल है, यहाँ पे वापस न्यूरोवास्कुलर बंडल है, हर एक रिब के नीचे की तरफ न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, हर एक रिब के नीचे की तरफ न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है लोअर मार्जिन के वहां पे. इसीलिए हम हमेशा अपर मार्जिन के वहां से इंसर्ट करते हैं. सो वी विल ऑलवेज इंसर्ट द निडल फॉर द प्लूरल पैरासिंथेसिस इन द अपर मार्जिन ऑफ द लोअर रिब. दिस इज द लोअर रिब, इस इंटरकोस्टल स्पेस की ये लोअर रिब हो गई और ये अपर रिब हो गया. तो लोअर रिब के जस्ट अपर वाले मार्जिन के वहां से हम इंसर्ट करेंगे सो दैट न्यूरोवास्कुलर बंडल को इंजरी ना हो एंड वी विल इजीली रिमूव द फ्लूइड. सो व्हेन वी डू द प्लूरल पैरासिंथेसिस वी आर गोइंग टू इंसर्ट द निडल अपर मार्जिन ऑफ द लोअर रिब. अपर मार्जिन ऑफ द लोअर रिब के वहां से इंसर्ट करेंगे राइट एंड वी विल रिमूव द फ्लूइड. अगर किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्लूरल फ्लूइड है तो सारा फ्लूइड एक साथ नहीं निकालना है, मैक्सिमम यू कैन ड्रेन अप टू 1500 मिलीलीटर ओवर अ डे. एक बार में हम 1500 ml निकालते हैं, फिर बहुत ज्यादा है तो उसके बाद वाला हम एक या दो दिन बाद निकालेंगे, एक साथ सारा फ्लूइड नहीं निकालना है. कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर बार बार प्लूरल फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लूरल मेलिग्नेंसी. अगर किसी को प्लूरा का कैंसर होता है तो उसको बार बार प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक पेशेंट हमारा एक पेशेंट थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे एंड उनको मीजोथीलियोमा डिटेक्ट हुआ था. तो उनको नहीं पता था उनको मीजोथीलियोमा है, उनको तो बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन हुआ था. मीजोथीलियोमा इज अ कैंसर ऑफ द प्लूरा. तो वो पहली बार जब आए तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को यहाँ पे चेस्ट में हैवीनेस हो रही है और मेरे को ड्राई कफ रहता है, वेट लॉस हो रहा है. तो उनका एक्सरे कराया तो प्लूरल इफ्यूजन था. हमने प्लूरल इफ्यूजन था, फ्लूइड निकाला, फ्लूइड के सैंपल्स वगैरह सब भेज दिए, सिटी स्कैन भी कराया, तो डायग्नोज भी बन गया कि उनको मीजोथीलियोमा है. और जैसे ही हमने फ्लूइड निकाला ना तो वो थोड़े से उनको रिलेटिवली कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे क्योंकि लंग वापस एक्सपेंड करने लग गया, उनको थोड़ा रिलेटिवली ठीक लग रहा था.
फिर मिजोथीलियोमा का ट्रीटमेंट भी चालू हो गया, लेकिन वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया था मिजोथीलियोमा, तो उसके लिए तो बहुत कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन मिजोथीलियोमा बार बार प्लूरल इफ्यूजन कराता था, तो प्लूरल इफ्यूजन होता था, वो हमारे पास आते थे कि या वो वापस से चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप वो प्लीज फ्लूड निकाल दो। तो एवरी नाउ एंड देन, एवरी 10 डे 15 डे ही वॉज कमिंग एंड वी विल डूइंग द प्लूरल पैरासिंथेसिस। तो प्लूरल मिजोथीलियोमा जो होता है उसके अंदर बार 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 प्लूरल इफ्यूजन होता रहता है। अब मिजोथीलियोमा का तो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट था नहीं, लेकिन बार बार फ्लूड निकालने से कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाता है, और हम ये चाहते थे कि इस पेशेंट की लाइफ जितनी भी बची है ना वो आराम से निकल जाए, हम नहीं चाहते कि इसको बार बार ये प्लूरल इफ्यूजन हो, बार बार इसको हमें टैप करना पड़े। तो हमने व्हाट वी कैन डू इज इन दैट केस यू कैन डू अ सर्जरी, आप यहाँ से कट करते हो, ओपन करते हो, ये जो फ्लूड इकट्ठा हो रहा है ना, ये जो फ्लूड इकट्ठा हो रहा है ये हो रहा है दोनों प्लूरा के बीच में, विस्ट्रल प्लूरा और पेरेटल प्लूरा के बीच में इकट्ठा होता है, तो आप यहाँ से कट करते हो, दोनों प्लूरा के बीच में जाते हो, और वहां पे क्या करते हो, यू कैन पुट द टेलकम पाउडर या फिर टेट्रासाइक्लिन की टेबलेट लेके क्रश करके वहां पे पाउडर बना के डाल देते हैं। जैसे ये डाल के आप बंद करते हो ना, तो ये जो पाउडर होता है ये क्या करता है, दोनों लेयर्स के बीच में फाइब्रोसिस करा देता है, दोनों लेयर्स को चिपका देता है। अगर दोनों लेयर आपस में चिपक जाएगी ना, तो वहां पे प्लूरल फ्लूड इकट्ठा होने की जगह ही नहीं है फिर। तो जिन लोगों को बार बार प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, तो उसका एक चीज जो हम कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लूरोडेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लूरोडेसिस, कि हमने प्लूरोडेसिस कर दिया, दोनों लेयर्स के बीच में हमने रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन नहीं हो तो प्लूरोडेसिस कर दिया। दैट इज डन इन द टर्मिनल स्टेजेस ऑफ द कैंसर वेयर द रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन वी डोंट वांट टू हैव। ये तो हमने प्लूरल इफ्यूजन को एक बार निकाल दिया, प्लस ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। जो भी अंडरलाइंग कॉज है ना, चाहे कैंसर की वजह से इकट्ठा हो रहा है, टीबी की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो ठीक करना है। तो अगर किसी के अंदर टीबी की वजह से है तो फ्लूड तो निकालना ही निकालना है, साथ में एटीटी भी देना है। अगर किसी को न्यूमोनिया की वजह से तो फ्लूड भी निकालना है और साथ में न्यूमोनिया के लिए एंटीबायोटिक दे देना है। इसी तरीके से अगर मेलिग्नेंसी की वजह से है तो मेलिग्नेंसी में फ्लूड तो निकालना ही और मेलिग्नेंसी को ठीक करने की कोशिश करनी है अगर कर सकते हैं तो, राइट। दिस इज हाउ वी मैनेज अ पेशेंट ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। जब हम प्लूरल फ्लूड निकालते हैं ना, तो कभी कभी उनके बहुत अलग अलग कलर भी होते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का कलर आ रहा है, लाइट येलो टाइप का, अगर प्लूरल फ्लूड जो है, अगर प्लूरल फ्लूड का कलर अलग अलग हो सकता है, अगर ऐसा लाइट येलो आ रहा है ना, इट इज गोइंग टूवर्ड्स ट्यूबरकुलर और इन्फेक्शियस इटियोलॉजी। ट्यूबरकुलर और इन्फेक्शन में ऐसा लाइट स्ट्रो कलर का आ सकता है, लाइट येलो कलर का। अगर ऐसा व्हाइट कलर का प्लूरल इफ्यूजन आ रहा है, व्हाइट कलर का, दिस इज सजेस्टिव ऑफ काइलस प्लूरल इफ्यूजन। दिस इज काइलस प्लूरल इफ्यूजन। काइलस प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब होता है? काइलस का मतलब होता है, काइल का मतलब होता है बेसिकली लिम्फ। एक्चुअल में ये जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है ना, ये लिम्फ लिम्फ इकट्ठा हो रहा है। अब लिम्फ कैसे इकट्ठा हो सकता है? कभी कभी व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से देयर इज अ ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी वजह से जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अगर लिम्फेटिक्स टूट जाएंगे तो लिम्फ जो होगा वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा प्लूरल स्पेस के अंदर, और ये ऐसा व्हाइट कलर का प्लूरल फ्लूड इकट्ठा हो जाएगा, बेसिकली वो लिम्फ की वजह से। सो द इटियोलॉजी इज ट्रॉमा टू द लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स के रप्चर होने की वजह से हुआ है। लिम्फेटिक्स रप्चर हो सकते हैं एक इन्फेक्शन में, दैट इज फिलीरियासिस। फिलीरियासिस भी लिम्फेटिक्स को डैमेज करता है, लिम्फेटिक्स डैमेज करता है, तो ट्रॉमा, फिलीरियासिस, इनके अंदर काइलस प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको कंफर्म करना है कि मान लीजिए किसी के अंदर बिल्कुल व्हाइट कलर का प्लूरल इफ्यूजन निकला, आपने निकाला एकदम दूध जैसा निकल रहा था, तो आपको लग रहा था ये काइलस है, मतलब लिम्फ जैसा लग रहा है, तो कंफर्म कैसे करें? तो आप इसमें एक इन्वेस्टिगेशन करो, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करो। लिम्फ के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये काइलस प्लूरल इफ्यूजन होगा ना, तो इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, राइट। सो इफ द प्लूरल इफ्यूजन इज वाइट, इट इज गोइंग टूवर्ड्स काइलस, एंड दैट इज सजेस्टिव दैट कि इट इज बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक्स डैमेज, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रामा और मे बी बिकॉज ऑफ फिलीरियासिस इन्फेक्शन। अगर कुछ इस तरीके का कलर निकल रहा है रेड कलर का, दिस इज हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन। एक तो निकल सकता है अगर आपने निकालते निकालते कुछ गलती कर दी, इयाट्रोजेनिक।
मैंने आपको बताया था कि जब भी आप निडल इंसर्ट करते हो ना, तो इंटरकोस्टल स्पेस में जब आप इंसर्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू इंसर्ट द अपर मार्जिन ऑफ द लोअर रिब, के वहां से इंसर्ट करना है। लेकिन आपने गलती कर दी, ध्यान नहीं रखा, कहीं से भी इंसर्ट कर दिया, तो आप एक छोटी मोटी ब्लड वेसल को रप्चर करोगे तो ब्लड आ जाएगा आपके फ्लूड के साथ में, तो हेमरेजिक हो सकता है, इयाट्रोजेनिक हो सकता है, इट कैन बी सीन विद मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी में भी आ सकता है, इवन समटाइम्स ट्यूबरकुलर, प्लस माइनस हेमरेजिक ट्यूबरकुलर में भी आ सकता है। सो कभी कभी प्लूरल फ्लूड का जो कलर होता है ना, वो भी हमें हिंट दे देता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटियोलॉजी दैट इज देयर। सो प्लूरल इफ्यूजन अगेन इट्स ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं। अभी तक इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें मोर और लेस इट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए मैं वापस से शुरू से पढ़ा रहा हूँ। हमारे लंग्स के ऊपर दो कवर है, अंदर वाला है विसरल पूरा, बाहर वाला पेराइटल पूरा। इन दोनों के बीच में अगर फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन। अब ये फ्लूड किस टाइप का है, ये गाढ़ा है या बिल्कुल पानी जैसा है? बेस्ड ऑन दैट इट इज ऑफ टू टाइप, एक्जुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। एक्जुडेटिव होगा अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से, जैसे इन्फेक्शन, टीबी, मेलिग्नेंसी, न्यूमोनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दीज आर एक्जुडेटिव। ट्रांसुडेटिव इकट्ठा होता है हाइपोथायरॉयड, हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इनमें ट्रांसुडेटिव होता है। कैसे पता करते हैं एक्जुडेटिव है या नहीं है? आपने प्लूरल फ्लूड का सैंपल निकाला, आप एक क्राइटेरिया यूज करते हो जिसको बोलते हैं लाइट क्राइटेरिया, वेयर यू आर गोइंग टू कंपेयर द प्रोटीन ऑफ द प्लूरल फ्लूड एंड द प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा। यू विल कंपेयर विद द 0.5 प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा, अगर ये उससे ज्यादा आ रहा है प्लूरल प्रोटीन, देन इट इज एक्जुडेटिव। LDH भी कंपेयर कर सकते हो, 0.6 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। अगर नहीं है आपके पास LDH, तो नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ LDH लेके 0.6 से मल्टीप्लाई करके यू कैन कंपेयर। एक भी पॉजिटिव आ रहा है, इट इज एक्जुडेटिव। देन वी हैव सेवरल हिंट टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अगर प्लूरल फ्लूड में न्यूट्रोफिल ज्यादा है, इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट ज्यादा है तो वायरल हो सकता है, ट्यूबरकुलर हो सकता है। ट्यूबरकुलर में शुगर भी कम आएगा और ADA बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर पेंक्रियाटाइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, तो प्लूरल फ्लूड में MILAs ज्यादा मिलेगा। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स मिलेंगे, RA फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा। देन वी कैन हैव हाइड्रोथोरेक्स और हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। कैसे पता करते हैं फ्लैट है या सेमी ल्यूनार है? ट्रीटमेंट में पानी तो निकालना ही निकालना है, प्लस ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो भी अंडरलाइंग डिजीज है उसको ठीक करना है। प्लूरल पैरासिंथेसिस कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू इंसर्ट द निडल, और निडल कहाँ पे इंसर्ट करना है? तो लोअर रिब जो होता है उसके अपर मार्जिन के वहां से इंसर्ट करना है, अपर मार्जिन ऑफ द लोअर रिब, अपर मार्जिन ऑफ द लोअर रिब के वहां से इंसर्ट करना है। कलर से भी हमें कभी कभी हिंट मिल जाता है। स्ट्रो कलर जो होता है, लाइट येलो कलर, ये देखने को मिलता है टीबी में, इन्फेक्शन में। व्हाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज काइलस प्लूरल इफ्यूजन, ये देखने को मिलता है इफ देयर इज अ डैमेज टू द लिम्फेटिक्स, उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़े हुए मिलेंगे। हेमरेजिक इट कैन बी सीन इन मेलिग्नेंसी, ट्रॉमा, इयाट्रोजेनिक, इन सब में मिल सकता है। राइट, थैंक यू।